अब आपको एक एलईडी जगा के दिखाते हैं, ब्लू रेड कलर की है। ये गलत तरीका है, कनेक्शंस कुछ इस तरह के होंगे। अब ये जो बसेस हैं ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ब्रेड बोर्ड, दे आर ऑल्सो नॉट कनेक्टेड टू वन अनदर। तो होता क्या है कि अगर आपको दोनों को कनेक्ट करना है, कि मतलब दोनों में आपने सेम एक्सटर्नल पावर सप्लाई देनी है और दोनों बसेस को कनेक्ट करना है, तो मैंने ये बताया कि ये जो है ये नेगेटिव बस है आपकी, ये नेगेटिव बस है सारी की सारी, जिसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी। अब अगर मैं बैटरी कनेक्ट कर दूंगी इस पहली रो के किसी भी होल में, अगर मैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डाल दूंगी, तो ये सारे ग्राउंड हो गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इनका कोई लेना देना नहीं है इससे। अब अगर मैं ओपोजिट साइड वाली नेगेटिव बस को इससे कनेक्ट करना चाहती हूँ, इस वाली साइड की नेगेटिव बस से, तो इसकी नेगेटिव बस ये है, तो ये कनेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। सॉरी, अब अगर मैं सिमिलरली अगर पॉजिटिव बस को मैंने कनेक्ट करना है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेडबोर्ड, तो मैं उसको दूसरी साइड वाले के साथ कनेक्ट कर दूंगी। तो ये इस तरह से कनेक्शन होंगे, और आप बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर देंगे कि मतलब यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव लीड है वो पॉजिटिव बस वाले होल में, जो इसका बैटरी का जो नेगेटिव लीड है वो आपका यहाँ आ जाएगा। अगर मैंने ऐसे कनेक्शन किया है तो ये दोनों बसेस को ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ब्रेडबोर्ड्स ये पावर सप्लाई दोनों जगह मिल गई। अब ये जो वायर्स हैं जिनसे मैंने ये कनेक्शंस बनाए, इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड जम्पर वायर्स। जम्पर वायर्स क्यों? क्योंकि जंप करके इधर से उधर कनेक्ट कर देते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आपने बैटरी कनेक्ट करी तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही जो हैं कनेक्शंस, उसमें वो वोल्टेज आई। तो नेक्स्ट अगर आपने इधरली साइड पे भी कनेक्शंस करने हैं, तो यहाँ पे आप दूसरे वोल्ट की कोई बैटरी लगा सकते हैं और एक सर्किट यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर आपने दो पावर सप्लाई देने, तो यहाँ से आप दूसरी पावर सप्लाई दे सकते हैं दूसरी बैटरी कनेक्ट करके। तो द जम्पर वायर्स आर मेटल्स ऑन द इनसाइड एंड प्लास्टिक्स ऑन द आउटसाइड, एंड द कलर ऑफ द प्लास्टिक विल नॉट डिसाइड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो थ्रू द वायर। अब आपको एक एलईडी जगा के दिखाते हैं, ये गलत तरीका है। सबसे पहले तो एलईडी होता क्या है? ये एक एलईडी है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इसकी एक टांग बड़ी छोटी है, एक टांग बड़ी है एक छोटी है, तो वन ऑफ द लीड्स इज लॉन्गर देन द अदर। एलईडी का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जो लीड लंबी है, द लॉन्गर लीड इज द पॉजिटिव साइड और द एनोड, और जो लीड छोटी है वो है नेगेटिव साइड और द कैथोड। तो अगर पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी जो है वो अटैच करना है, तो यहाँ लगेगी, नेगेटिव वाली यहाँ लगेगी, अगर सर्किट में इस एलईडी को लेकर आना है आपने। अब नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इफ ये जो लीड्स हैं इनको आपने क्लिप कर दिया, या किसी स्टूडेंट ने क्लिप कर दिया, तो ये दोनों सेम लेंथ की आपको दिखने लगी, तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एनोड कैथोड कौन सा है? तो एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, वो क्या है कि ये जो बेस देख रहे हैं आप, जो नीचे सर्कुलर बेस है, ये बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कुलर होगा, और कैथोड वाली साइड, जो साइड कैथोड है उसकी लीड जो होगी उसके ऊपर अगर आप चेक करोगे, तो ये बॉटम जो सरफेस है आपको साइड पे यहाँ पे एक फ्लैट कट मिलेगा, और बाकी सारा एनोड वाली साइड का ये सर्कुलर होगा। तो एक अलग जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरह से होगी। एलईडी के कैथोड वाली साइड पे आपको ये फ्लैट एज दिखेगी। तो अब एलईडी होता क्या है? एलईडी क्या है? एक लाइट एमिटिंग डायोड है, एंड इट एमिट्स लाइट व्हेन इट इज पावर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि इसको सही ढंग से लगाना होगा। इसके एनोड और कैथोड हैं, तो इसका मतलब बैटरी का ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, और इसकी एलईडी की पॉजिटिव साइड कौन सी है? जो इसकी लॉन्गर लीड है। तो ये इस साइड अगर कनेक्ट होगा तो ये एलईडी ग्लो करेगा, और अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो ये एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो प्रॉपर इसके कनेक्शंस होने चाहिए, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। तो उसके लिए आपको इनकी लीड्स की आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। इसके पीछे भी लाइट एमिटिंग डायोड लगता है, तो डायोड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दे अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड होगी, कनेक्शंस प्रॉपर होंगे, तभी
लाइट एमिट होगी वरना नहीं होगी। अभी जो एलईडी है इट इज इनकैप्सुलेटेड इन अ ट्रांसपेरेंट कवर सो दैट द एमिटेड लाइट कैन कम आउट। अब ये मैंने आपको जगह के दिखाई थी गलत तरीके से, क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ गलत तरीका वो मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है। ये इसका कलर है ब्लू, तो ये जो कलर हैं इसके बहुत तरह के हो सकते हैं। तो अब एक और एलईडी में जगा के दिखा रही हूँ आपको, ये है, ये कलर क्या है, ये रेड कलर की है, ठीक है, क्योंकि एलईडी के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा कि जब मैं बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट कर रही हूँ एलईडी को, तो मैंने जस्ट आपको प्रीलिमिनरी एक चेक बताया कि ये एलईडी वर्क कर रही है या ठीक है या नहीं, कि मैं अपने सर्किट में इसको ले सकती हूँ या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसे ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है। वो क्यों है? बिकॉज इन ईच एलईडी यू शुड लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोज थ्रू इट, बिकॉज एक्सेसिव करंट थ्रू एन एलईडी कैन डिस्ट्रॉय इट। So it is necessary to limit the forward current of an LED to ensure good performance and long life of an LED. This means LEDs are simply diodes which emit light when they are forward biased. और जो light out और जो light output आता है that will cover all visible light frequencies. तो तभी मैंने आपको दिखाया जो lights हैं ये different colors की हो सकती हैं, LED lights different colors की हो सकती हैं. So I think that was enough for today. I'll see you in my next video. Till that time, do not forget to take really good care of yourselves. Bye bye.